सबसे पहले दीदी हेमिन के बीज उपचार करे के पड़ेला। उकर ले हेमिन के बीज चाहिए और जूट बोरा चाहिए और बीजा अमृत चाहिए। उकर बाद में नर्सरी करे के ले केचुआ खाद चाहिए और कोकोपीट चाहिए, ट्रे चाहिए और एगो प्लास्टिक लगेला। सबसे पहले तो हेमिन के बीज कर उपचार करे पड़ेला। तो दीदी कैसन बनावे? ये देखी करेली कर बीज लगा, ये देखी जूट कर बोरा लगाओ के हमिन अच्छा से बिछाए देबे। बोरा बिछाए दिलिए दीदी, कर में आप बीज के डालबे। हियाँ आप बीजा के डाल दिलिए और हियाँ बीजा अमृत के हियाँ छिड़क के अच्छा से साइन देबे। अच्छा ठीक है दीदी। बीज उपचारित कर दिलिए दीदी, अब इके आधा घंटा छाहर में सूखे ले छोड़ देबे। अच्छा ठीक है। बीज उपचारित तो हमिन कर दिली दीदी, अब इके नर्सरी में डाल सकेला। अच्छा ठीक तो दीदी। आधा किलो कोकोपीट लागे और आधा किलो केचुआ खाद अभी के मिलाए देबे। इ कोकोपीट लागो दीदी, अगर ई नमी नहीं रहतलो तो एकर में पानी छिड़क के और इके नमी बनाए के और मिला लिए। सूखल में नहीं हो सकत है? नहीं अच्छा है वेला। ई तो अब सना गेलै दीदी और ई ट्रे लगे, इकर में डालबे और ऊपर से आधा इंच खाली रहते। ठीक तो दे दीदी, हमू डाल देव तो ले। तब डाली दीदी, आप का करबे? इकर में तो डलाए गेलो, आप बीजा उपचारित करल हमिन कर आधा घंटा है गेलो, तो आप बीज इकर में डालबे। इसने डालबे दीदी? हाँ इसने डालबे। बीज तो हियाँ डाल दिलिए और कोकोपीट और केचुआ खाद मिला रही है, इके हियाँ आप डाल देबे। इकर में हमें प्लास्टिक ढाप देबे। अभी के हम नापी से काट देबे। अभी के काट देलिए, अब दुयो साइड के जताए देबे। अच्छा ठीक तो प्लास्टिक के काल ढक देले दीदी? प्लास्टिक के हेल ढाप है कि गर्मी और नमी दुयो बनल रहते तो अंकुर जल्दी हेतै। और दीदी प्लास्टिक के हटाए के और झालर से 3-3 दिन में पटाए के नमी बनाए पड़ते।